तो बेसिकली आज की हमारी इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एडवांस एक्सेल विद फार्मूला। ये हमारी दो क्लास है, दूसरी क्लास है। और दूसरी क्लास में हम आपके पास राकेश जी के साथ हम बात कर रहे हैं फाइल मेनू बार की। राकेश जी, जैसे हमने बताया था आपको, मैं दोबारा बताता हूँ कि जो कोर्स को हम लेके चलेंगे वो मेनू के हिसाब से लेके चलेंगे, ताकि आपको पता रहेगा कि आप कौन सा मेनू है और कहाँ पे है, नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकती है। ओके, ठीक है ना। और माइक्रोसॉफ्ट ने मेनू के हिसाब से बनाया हुआ है, तो कुछ रीजन है ना सर कि मेनूज को उसने हिसाब से बनाया है। किस मेनू की इंडक्शन कब आएगी, उसकी यूजेज एंड उसकी पॉपुलरिटी के हिसाब से, है ना। तो फाइल मेनू बार जो कि फाइल से रिलेटेड, जब उस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहला पेज आपका होम का आता है। और ये जो एक्सेल देख रहे हैं ऑफिस 365, इसका लेटेस्ट 2019 यहाँ पे आपको दिख रहा है। राइट राइट। तो यहाँ जो सबसे पहला आप देखेंगे रिसेंट कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ देखेंगे, राइट। रिसेंट डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट है ये तो आपका आपके हिसाब से चेंज होते रहता है, जैसे जैसे फाइल को ओपन करेंगे यहाँ पे चेंजिंग होते जाएंगे। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे फाइल होते हैं जिसको मैं ब्रावर यूज करते हैं, जैसे देख लीजिए डैशबोर्ड 4 या डेटा 1, इसको मैं ब्रावर यूज करता हूँ। तो इसको पिन वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ पिन वाले सेक्शन में क्लिक करते ही आपको पिन वाले लिस्ट में आ गए, डेटा 1 आ गया। तो ऐसे फाइल जिसको आप बार बार ओपन कर रहे हैं उसको आप इस सेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है राकेश जी। शेयर विथ मी में जो आपको शेयर करता है शेयर ड्राइव से या फिर वन ड्राइव से, उसका लिस्ट आता है, ये तो खुद ब खुद बनता है। न्यू पे जब जाते हैं तो आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट लेने के अलावा बहुत सारे टैम्पलेट्स आते हैं, और ये आपका होमवर्क भी होगा आज का कि आपको इसमें से 8-10 टैम्पलेट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको अपने हिसाब से समझना है, ताकि हम आगे क्लासेस में जब करें तो आपको फॉर्मेटिंग और ट्रिक्स के वगैरह में आपको कुछ नॉलेज में रहे पहले से। ठीक है, मैं करूँगा। ठीक है, तो ये टैम्पलेट होता क्या है, बेसिकली ये बने बनाए फॉर्मेट होते हैं जिसको आप यूज थ्रू कर सकते हैं। जैसे फॉर्म, आपको फॉर्म मिला, फोटोस्टेट किया, डाउन आपने उसको भर दिया, सेम उसी तरीके से ये होता है। राइट, ओके, क्लियर है। क्लियर है। इसके अलावा इसमें जैसे मान लीजिए कभी कभी हमें ऐसे कुछ ज़रूरत पड़ती है, जैसे मान लीजिए कि आपको कभी इनवाइस बनाने की ज़रूरत पड़ी या कोई टेम्पलेट बनाने की ज़रूरत पड़ी, मतलब कि ज़रूरत पड़ी, तो आप जो मैनुअल बनाओगे तो यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपको एक इनवाइस भेजना है, हालांकि आपके मान लीजिए अकाउंटिंग का काम नहीं है, बट आपने कोई चीज़ मंगाया है तो उसको इनवाइस देना पड़ेगा आपको, या वर्क ऑर्डर, मान लीजिए वर्क ऑर्डर, मान लीजिए आपके बॉस ने बोला कि यार हमें कुछ ऑफिस में सामान खरीदनी है, से एक वर्क ऑर्डर बना के दे दो इसको। तो आप यहां पे सर्च कीजिए वर्क, तो या वर्क ऑर्डर, तो आपको यहां पे बहुत सारे वर्क ऑर्डर से रिलेटेड वर्क ऑर्डर से रिलेटेड आपको टेम्पलेट मिल जाएगा, आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप खुद भी एक टेम्पलेट बना सकते हैं, कैसे बताता हूं। हमने क्या किया कि एक एरिया हम यहां लेते हैं, एक छोटा सा टेम्पलेट आपके सामने बनाता हूं, ठीक है। डेली सेल्स रिपोर्ट, ठीक है, इसको क्लिक किया और इसको हमने ओपन कर दिया, अंडरलाइन कर देता हूं यहां पे मैं टाइम, एक छोटा सा फॉर्मेट बना रहा हूं।
ठीक है, ये हमने एक बनाया और इसको हमने यहाँ से बॉर्डर लगा देता हूँ। टोटल वगैरह लगाना चाहे तो टोटल वगैरह फार्मूला वगैरह भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एक फॉर्मेट या नीचे तैयार कर देते हैं जिसमें चेक बाय और यहाँ पे हमने बनाया। ओके okay. अब इसकी मैं पेज लेआउट में जाके इसकी मैं गाइडलाइन हटा देता हूँ। अब ये जो है मुझे हर दिन फिल करना होता है, तो आप लोग जब कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, आप प्रीवियस रिपोर्ट को ओपन करते हैं। ये पूरा वो लाइंस कैसे हटे एक बार में? यहाँ ये ग्रिड लाइन पेज लेआउट में ग्रिड लाइन को अनचेक करना होता है, समझे? समझे, ओके। हाँ, तो इस बार क्लिक रहेगा तो ग्रिड लाइन रहेगा, अनक्लिक कर दीजिए हट जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो हो गई हमारी रिपोर्ट बन गई। अब मुझे आप अगर जो कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप प्रीवियस रिपोर्ट को ओपन करते हैं, फिर उसको सेव एज करते हैं। करेक्ट करेक्ट। सेव एज करने के बाद क्या करते हैं आप, डाटा को डिलीट करके अपना डाटा। तो आप जो हर बार जो सेव एज करके नेम देते हैं उससे अच्छा है कि आप एक बार टैबलेट को बना लें और उसको सेव कर दें। किस में सेव करें? एक्सेल वर्कबुक नहीं, एक्सेल टेम्पलेट, एक लोकेशन कैश okay. जो भी नाम देना चाहते उस नाम से, एंड शेप, इसको हटा देते। अब यहाँ पे देखिए एक तो कैश का फॉर्मेट जैसा हो गया, दिख रहा है? जब भी मैं इसको ओपन करूंगा तो कैश वन के नाम से ओपन होगा, कैश टू, कैश थ्री, जैसे बुक वन, बुक टू, बुक थ्री होता है ना, देखिए कैश वन okay. तो हमेशा आपको ब्लैंक देगा। अब इसमें कुछ भी डेटा टाइप कीजिए और जैसे सेव करेंगे कंट्रोल एस होगा, मतलब आपका कैश वाली फाइल जो है चेंज नहीं होगी। जैसे जब भी आप नया फाइल लेते हैं तो एक नया वर्कबुक देता है ना ब्लैंक, उसी तरह से एक आपको हमेशा एक ब्लैंक फॉर्म आपको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो आपके पास जितने भी रिपोर्ट्स हैं, जो भी आप रिपोर्ट्स बनाते हैं उनको इस तरह से टैम्पलेट तैयार कर लेंगे तो हर बार सेव एज करके डेटा डिलीट करने वाला जो झंझट है वो हर दिन के आप छूट जाएगा। साथ में आप एक फोल्डर में रख देंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ ये सारी रिपोर्ट बन के जाना है। ठीक है, तो एक टेम्पलेट के अंदर में होता है। तो टेम्पलेट के बाद ओपन पे, रिव्यू के बाद हम ओपन पे आते हैं, तो ओपन में वही है आपको रिसेंटली फाइल, यहाँ पे फाइल का लिस्ट थोड़ा सा ज्यादा मिलता है और जो पिन करते हैं वो सबसे टॉप पे आता है, जो भी पिन है ना हमारा सबसे टॉप पे। उसमें टुडे, स्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट दिस वीक, लास्ट वीक, ओल्डर, इस तरह के फॉर्मेट में आपको आएगा, कटराइज हो गया और सेम आपका फोल्डर भी आएगा। तो यहाँ ओपन में फाइल एंड फोल्डर दोनों का लिस्ट होता है, आप दोनों का पिंग कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर फोल्डर जो कि बहुत अंदर है और तो आपको बहुत ज़्यादा क्लिक 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 करके जाके ओपन करना पड़ता है, उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं, कोई डाउट। चलिए, ओपन के बाद इन्फो, इन्फो जो है फाइल की इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है। अब लोगों से क्या जरूरत है इन्फॉर्मेशन से, जैसे पी डेटा दिख रहा है ना, अब पी डेटा नाम से आपको पता चल रहा है कि ये फाइल के अंदर क्या होगा? जब तक मैं इसको ओपन करके इसके डेटा को देख के समझू ना तब तक तो दिखेगा, समझ में नहीं आएगा ना सर? नहीं नहीं। तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं यहाँ पे इसका डिटेल दिख जाता है ना, जैसे यहाँ पे देखिए पी डेटा पे, तो पी डेटा पे टाइटल दिख रहा है, दिस इज द पिवट टेबल डेटा, तो इजिली समझ गए कि पिवट टेबल का एग्जाम्पल डेटा है। बट डेटा वन पे तो कुछ ऐसा नहीं समझ पा रहे, नहीं। तो इसको लगाने के लिए आपको पिवट टेबल की प्रॉपर्टीज में जाना, उसे फाइल की प्रॉपर्टीज में जाना होगा राइट क्लिक करके। ओके, तो इसके फाइल के आइकन पे राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज पे जाइए, इसी में आपको डिटेल्स दिखेगा। राइट, डिटेल्स के अंदर आपको यहाँ टाइटल्स है,
सब्जेक्ट से आप इंट्री करें, तो डबल क्लिक करें। अभी इंट्री नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये फाइल हमारा ओपन है, समझे? फाइल क्लोज कर दिया, अब प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। अब आगे सर, अब यहाँ पे डाल दीजिए कि दिस इज एग्जाम्पल डेटा। ऑथर नेम भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, ऑथर नेम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं डबल क्लिक करके। हाँ, अभी हमें नहीं पता है किसी और की फाइल को चेंज कर पाएंगे चल पाएंगे। अपना तो चेंज कर रहा है पर ये नहीं आएगा क्योंकि मैंने कभी किया नहीं किसी और के फाइल का। तो आप एक बार चेक कर लीजिए किसी और के फाइल का ऑथर भी चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। उसके बाद टैग, टैग पता क्या होता है? नहीं, जैसे आप गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो एक्सेल कोर्स, VBA कोर्स, MIS कोर्स, सुजीत सर, मेरा आ जाता है ना? आ जाता है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही आपको इन फ्यूचर में इस फाइल को सर्च करना होगा तो आप पीपी डेटा के नाम से ही सर्च कर पाएंगे ना सर? लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आगे चल के सर्च में प्रॉब्लम होगी तो इसमें कितने तरह के सर्च हो सकते हैं वो इसके अंदर क्लिक दीजिए कि कितने तरह के सर्च इसमें हो सकते हैं, कितने तरह के नाम से पुकार सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ इसको पिवट के नाम से भी जान सकता हूँ, इसको हम फिल्टर के नाम से ही जान सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट के नाम से जान सकते हैं, और मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। ओके ओके, रिफ्रेश कीजिए, कर्सर रखते ही आपको यहाँ पे टाइटल दिख रहा है, करेक्ट। और जब इसको फोल्डर में आप सर्च करेंगे, जब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फिल्टर, कहाँ पे टाइप कर रहे हैं आप? सर्च में, या सर्च होता है ना सर्च किसी फोल्डर नहीं, ऊपर में एक एक मिनट। हाँ ठीक है, देखिए डेटा वन आ गया ना। हाँ डेटा वन, क्योंकि इसे पिवट हमने एज ए कीवर्ड डाला हुआ था, तो ऐसे कीवर्ड आप कॉमा कॉमा या सेमी कोलन करके डाल सकते हैं, ठीक है। Okay. तो ये चीजें जो हमने अभी राइट क्लिक चेंज की, अब यहाँ फाइल की प्रॉपर्टी में जाके भी, इन्फो के अंदर जाके भी हम चेंज कर सकते हैं। ओके, सेव तो अब सेव करते ही नॉर्मल, सेव एज की बात करें तो जब सेव एज करते हैं तो दो चीजों ध्यान रखना होता है। पहला, फाइल का टाइप, ठीक है टाइप सर? हाँ। तो टाइप आपको सेव एज करते समय फाइल के टाइप, अब अगर आपकी फाइल जो है नॉर्मल फाइल है, जैसे कि एक्सेल की फाइल है, नॉर्मल एक्सेल नॉर्मल डेटा है, तो उसको आप सेव कर सकते हैं एक्सेल फाइल में, ताकि .xlsx में। बट मान लीजिए आपकी जो फाइल है वो मैक्रो कंटेन की हुई है, उसमें मैक्रो लगा हुआ है, okay. तो मैक्रो वाली फाइल को आप माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव कीजिएगा। अगर आपने इसको एक्सेल वर्कबुक में सेव कर दिया तो आपके माइक्रोज डिसेबल हो जाएंगे, ठीक है? ओके, माइक्रो आपके डिसेबल हो जाएंगे, राइट सर? हाँ। तो इसको हमेशा कहाँ सेव करेंगे? माइक्रो अनेबल वर्कबुक। अगर आपके पास बहुत बड़ा फाइल है, हैवी फाइल है, उसको कहाँ सेव करेंगे? बाइनरी वर्कबुक। बड़े फाइल को बाइनरी करेंगे तो सारा फंक्शन वैसे ही होगा जो एक्सेल नॉर्मल में होता है? बाइनरी फॉर्मेट फॉर्म में आप सेव करेंगे, सिर्फ डेटा सेम होता है, डेटा की फॉर्मेट्स फॉर्मूले सेम नहीं होते। उन्हें काम नॉर्मल एक्सेल की तरह कर सकते हैं उसमें? जी। आज पहले से पता है कि फाइल बड़ी है तो एक्सेल बाइनरी में वर्कबुक में सेव करेंगे। जी। बाकी और भी फोर टाइप्स है इसमें, आप यहीं पे आप ऑथर का नेम चेंज कर सकते हो या यहीं पे आप टैग भी डाल सकते हो, ठीक है? उसमें नॉर्मल एक्सेल में और बाइनरी में करेंगे हैवी डेटा तो हैंग कम होगा। सर बाइनरी जैसे मान लो 400-500 MB की फाइल है आपकी, वो पर okay. आपकी हैंग होती है, सिर्फ डेटा है उसको सेव कर सकते हैं, कोई रिपोर्ट को सेव नहीं करते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग ऑब्जेक्ट को कैरी नहीं करता है, सिर्फ डेटा को कैरी करता है। मैं समझ गया, बड़ा डाटा सिर्फ उसमें डाल के छोड़ दो बस। जी, डंप डाटा को। जी ठीक है,
सेव के बाद प्रिंट तो नॉर्मल है, आप प्रिंट कर सकते हैं। शेयर, आपको इसको वन ड्राइव में या मेल पे एज अटैचमेंट वगैरह शेयर करना है तो इसका कोई यूज खास नहीं है। पब्लिश, अगर आपके पास अगर पावर बी आई यूज करते हैं, आप एक्सेल फाइल पावर बी आई से लिंक के डायरेक्ट आप पब्लिश कर दीजिए, पावर बी आई पे चला जाएगा। क्लोज क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट, आपको जो माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है, उस अकाउंट जहाँ से आप ऑफिस को अपडेट वगैरह कर सकते हैं, यहाँ से आप अपडेट पे क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। अपने अकाउंट चेंज कर सकते हैं ताकि वन ड्राइव वगैरह का कनेक्टिंग जो है यहाँ से होता है। फीडबैक, आपको ऐसा लगता है कि कोई फॉर्मूला सही नहीं है या कुछ सजेशन वगैरह, सजेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ ऐसा लगा कि इस तरह के फॉर्मूले हो सकते हैं, होना चाहिए या इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, तो आप इसको सजेशन में जाकर माइक्रोसॉफ्ट को सजेस्ट कर दो, ताकि क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट जो है उसको रख लेगा और माइक्रोसॉफ्ट उस सजेशन को लेते हुए ही आगे वर्क करेगा, ठीक है। हेलो, अभी हम ऊपर हैं, क्लास दे रहे हैं, हम नीचे जाकर बता रहे हैं, ठीक है। Recording in progress. हेलो, ये हेलो। हाँ सर, वो कॉल आ गई थी सर एक मोबाइल पे, क्योंकि सेलफोन से कनेक्ट था ना, इसलिए अभी निकला नहीं हूँ घर से, मैं निकलूँगा तो दोपहर में। तो ये समझ में आया आपको, सजेशन के बारे में बता रहा था। हाँ, चलिए अब ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन में क्या है सर, कि ऑप्शन आपको जो है यहाँ पे एक्सेल की सेटिंग को चेंज करने के लिए किया जाता है। अब बोलेंगे सर, पहली दूसरी क्लास में आप एक्सेल की सेटिंग को चेंज करना सिखा रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ लेते हैं तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। जैसे आप नया सेलफोन लेते हो तो उसका रिंगटोन, उसका वॉलपेपर, उसके अलार्म्स, चीज़ें अपने अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करते हैं ना सर। ओके, सेम उसी तरह से एक्सेल को भी जो सेटिंग्स है उसको हम अपने हिसाब से चेंज करते हैं, राइट राइट। तो इसमें जो है आपका, आपको ऑप्शन में यही है, जैसे कि यहाँ आपका अनेबल लाइव प्रीव्यू, कुछ भी अप्लाई करते हो उसका प्रीव्यू दिखता है, वो प्रीव्यू हटा सकते हैं। ये अनेबल शो स्क्रीन टिप्स, किसी भी कर्सर रखते हो तो नीचे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है ना सर। वो चीज़ आप यहाँ से हटा सकते हो। उसके बाद डिफॉल्ट फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट की साइज है, वो फॉन्ट की साइज आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कि भाई इस तरह का फॉन्ट का साइज होना चाहिए। ओके, तो फॉन्ट की साइज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे ऑथर नेम चेंज कर सकते हो, बाकी चीज़ें यहीं पे आपको उसी तरह से दी गई है। लेकिन सर इसको हम डायरेक्ट आपको अभी नहीं पढ़ाएंगे, मैं रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार आप अपने हिसाब से इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। हेलो, यार मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, इसको आप अपने हिसाब से अच्छे से देख लीजिए और फिर कल मैं है इसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है सर। यस, तो इसको एक बार अपने हिसाब से देख लीजिए। ओके, और कल मैं